मैं भारत का नागरिक हूं। अभी तो विधानसभा में हेमंत सोरेन जी ने भी बताया कि हम असम जाऊंगा, असम का चुनाव का समय, अगर उनको भी असम में स्वागत है। आप बोल रहे जेएमएम बास का बीड है, तो आप संपाई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? मेरा तो लगता है जेएमएम और कांग्रेस मिनिस्ट्री का लगभग सारे मंत्री और एमएलए का पीछे जासूस लगा हुआ है। मैं भारत का नागरिक हूं। अभी तो विधानसभा में हेमंत सोरेन जी ने भी बताया कि हम असम जाऊंगा, असम का चुनाव का समय, अगर उनको भी असम में स्वागत है, आपत्ति क्या है? ये देश तो हमारा है। तो एक बात है, आप बोल रहे जेएमएम बास का बीड है, तो आप संपाई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? गुरु जी का फॉलोअर थे, गुरु जी का लेफ्टिनेंट थे। अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? मेरा मन है कि पार्टी को सोचना चाहिए कि अभी भी कितना लोगों का पीछे जासूस लगा हुआ है वो लोगों का। मेरा तो लगता है जेएमएम और कांग्रेस मिनिस्ट्री का लगभग सारे मंत्री और एमएलए का पीछे जासूस लगा हुआ है। अभी बोल रहे सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है, अरे बिना हथियार भी सिक्योरिटी होते हैं, बिना हथियार सिक्योरिटी होते हैं। आप देखिए कैसा किया है, कलकत्ता में गया, फिर एक फ्लाइट में पीछे का सीट बुक किया, फिर दोनों बाप बेटा जो बोल रहा था वो सुन रहा था, जो भी बात कर रहा था बाबूलाल जी और संफाई जी, फिर होटल में रुका, और होटल में आपने रूम कौन सा लिया? संफाई सोरेन जी का नजदीक वाला रूम लाया, रूम लिया, और वो रूम में आप लोग दो थे। हमने ज्यादा तहकीकत नहीं किया, लेकिन आपने एक महिला को भी होटल में लेके आए थे। मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या मामले थे, लेकिन अगर वो भी झारखंड महिला पुलिस भी हो सकता है, पता नहीं है, ये तो सब इंक्वायरी का मामला है। आप अगर सिक्योरिटी ड्यूटी में थे तो आपको मिलने के लिए दोबारा महिला क्यों आते हैं? होटल का सीसीटीवी में फुटेज है, तो आपका क्या मंशा था? अभी तो आपको ही बोलना पड़ेगा। चुनाव हो जाने का बाद आईजी प्रभात कुमार को हम जरूर पूछूंगा कि आपने ये काम क्यों किया।